विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए तमाम विपक्ष दल के पार्टी को निशाना बनाते हुए नजर आए हैं AIAIM के नेता वन एंड ओनली असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। लेकर आए इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब अपनी हुंकार भरते हुए जमकर भाषणबाजी करते हुए नारेबाजी करते हुए निशानेबाजी दिखाते हुए नजर आए हैं ओवैसी साहब। और इस बार पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दमदार भाषण में किस तरह से हमला बोला है और किस तरह से सबके पसीने छुड़ाए हैं, कैसे उन्होंने अपने हुंकार से अच्छे के पसीने छुड़ा दिए, किस तरह से ओवैसी साहब ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता के बीच भाजपा सरकार पर, जरा जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्योंकि जब नेक काम होता है तो आकर बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी बोलेंगे, कोई सपा बोलेगा। याद रखिए, ये सपा और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और शान की जोड़ी है। हमको तो ये लगता है कि कहीं ये बिछड़ गए थे बहुत पहले, अब मिल गए हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा एक डॉक्टर अयूब जीतेंगे तो क्या करेंगे, भारत की पार्लियामेंट में 540 की मेंबर है, 540 का ऐवान है, इसमें हमारे दो एमपीए मैं और इम्तियाज जलील साहब, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5 मिनट के लिए आपके इंसाफ की बात करने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर हमको नमस्ते और सलाम करते हैं। तो आप सोचिए, एक अगर डॉक्टर अय्यूब जीत कर चला जाएगा, जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो ना सिर्फ इस विधानसभा का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वंचित समाज का, दबे कुचले समाज का, जिनको दबाया गया है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ेगा। आपको ये चीज की जरूरत है। अगर सपा का कोई जीतेगा तो वो भैया का गुलाम होगा। कोई सपा वाला अगर सोच रहा है, कोई सपा को वोट डालने के लिए सोच रहा है, तो आपको हम बता रहे, ये समाजवादी के लोग इस विधानसभा में आकर खौम 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 की बात करते हैं ना, खौम खौम के वादे करते हैं। आप इनसे पूछिए कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने कानून लाया था यूएपीए, उस कानून ये कहता है कि दिल्ली में कोई भी एक एनआईए का ऑफिसर बैठकर इस विधानसभा में अगर किसी लड़के का नाम शादाब होगा तो उसको टेररिस्ट आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उठकर कांग्रेस बसपा मिलकर अमित शाह के इस कानून की तारीफ किए, कौन उसकी मुखालिफत किया, मैं और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत किए। वो कानून बन गया, आज राज्यसभा में सपा के एमपी थे, इनका प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर था, वो प्रोफेसर भी है, इनके विधायक थे सपा के विधायक राज्यसभा में, बसपा के, कांग्रेस के, सब अमित शाह की तारीफ किए। और इल्जाम हम पर डॉक्टर यूप पर लगता है, तुम कानून बनाते हो, उनकी मदद करते हो जो हमको बर्बाद कर रहा है, और जब चुनाव आया तो विधानसभा में आकर बोल रहे खाओ खाओ खाओ। ट्रिपल तलाक का कानून आया, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने तकरीर उठाकर देखो, ट्रिपल तलाक का कानून 3-3 मरतबा पार्लियामेंट में आया, हमने संविधान का हवाला दिया, हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया, हमने बताया कि संविधान के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। तो अखिलेश ने तकरीर में कहा कानून ट्रिपल तलाक का बन रहा है, अखिलेश कह रहे कि मैंने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई। अब आप बताइए कि जो मुंह से बोलना नहीं चाहता
जो अपनी जबान से अल्पसंख्यक समाज छोड़ो मुसलमान भी नहीं बोलना चाहता, वो आपसे वोट मांग रहा है। मुजफ्फरनगर का फसाद कौन था मुख्यमंत्री अखिलेश थे, इन्हीं के दौर में हुआ ना, क्या किया उन्होंने, इंसाफ किया? और तो लोग आकर आपसे कहेंगे नहीं नहीं हिकमत का तकाजा ये, वो 2013 में हुआ था, अब 2022 में। अरे सच्चाई का तकाजा यह है कि जालिम के जुल्म को नहीं भूलना चाहिए, सच्चाई का तकाजा यह है कि जब तक, सच्चाई का तकाजा यह है कि जब तक मजलूम को इंसाफ नहीं मिल जाता हम लड़ते रहना इंसाफ के लिए। जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिनकी जमीनों को छीन लिया गया, जिन इबादतगाहों को वीरान बना दिया गया, जिन घरों में बच्चों के चीख और पुकार की आवाज आती थी आज वो वीरान पड़ गए। अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना, उनसे बात करो पूछो कुछ नहीं कहेंगे। और फिर आज CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, किसने उस कानून को ये कहकर भारत की पार्लियामेंट को बताया, सांसद को बताया कि महात्मा गांधी ने जब सफेद फाम की हुकूमत अफ्रीका में थी तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ दिया था, ओएसी ने भी, दो एमपी थे हमने कानून को फाड़ कर कहा कानून को नहीं मानते हम। और आज समाजवादी का प्रत्याशी CAA कानून की तारीर में जुलूस निकाला और उसकी हिम्मत के हाथ से आकर और पूछेगा, CAA का कानून आपको भारत की शहरियत खत्म कर देगा अगर वो कानून चले आगे इंप्लीमेंट होगा तो, उस कानून के लिए दोबारा आपको लड़ने तैयार आप हैं, आप तैयार हैं? तो मैं डॉक्टर अय्यूब आएंगे आपके दरमियान में, फिर धरना देंगे, फिर एहतजाज करेंगे, इस कानून को नहीं मानते हम। सुन लो अखिलेश, तुम्हारा प्रत्याशी CAA का कानून जिसको अमित शाह ने लाया था, मोदी की हुकूमत ने लाया था, उस कानून की तारीफ में जुलूस निकाला तो वो क्या खलीलाबाद की जनता से वोट मांगेगा जो तुम्हारी बर्बादी के कानून की तारीफ कर रहा था? आज अखिलेश आकर उसको, आज सुना में आने वाले आकर फिर लोग हमारे इबलीस के लोग हैं वो नारा लगाएंगे, और भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, अबे कौन सी जवानी कुर्बान करेगा, तुझे ही कुर्बान कर देने वाले हैं लोग। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बल्कि इस विधानसभा को, उत्तर प्रदेश को, डॉक्टर अय्यूब को विधायक बनाना जरूरी है। गरीब मजलूमों को, वंचितों को, कमजोरों को ताकत दिलाना जरूरी है, और मुझे यकीन है कि डॉक्टर अय्यूब के पास जज्बा भी है, तजुर्बा भी है, इखलास भी है, और वो यकीनन इन तमाम लोगों की आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाएंगे। चौथी बात जो आपसे करना चाह रहे थे, अरे एक है बेटा, ये समाजवादी का प्रत्याशी मगर के कब्रस्तान की जमीन को बेच दिया, इसकी अब्बा की जमीन थी वो, कब्रस्तान की जमीन को बेच दिया, अखिलेश कह रहे हैं उसको वोट दो, अगर आपके वालिद की खबर होगी, मां की खबर होगी उसमें, और कोई उसको बेच देता रात से आगे कहेगा कि वोट दो, आप वोट देंगे उसको? जो कब्रस्तान की जमीन बेच दिया वो क्या आपकी खिदमत करेगा? जो मुर्दों को सही सलामत नहीं छोड़ रहा हो तो जिंदों को खत्म कर देगा। अब तीसरा, ये चलाई कला का मदरसा किसने गिराया, किसने गिराया, जोर से बोलो किसने गिराया, किसने गिराया? तुम और दोगे उसको? याद रखना इस बात को, आज शबे मेराज भी है, रात में याद है ना, और आप यहां पर कलाम साहब कौन थे, कौन थे कलाम साहब? हमारे चचा थे, है और रहेंगे। अखिलेश ने क्या किया, ओएसी का चचा है नहीं दूंगा, मेरा चमचा है उसको दूंगा, क्योंकि वो CAA का अमित शाह के कानून में लड़ा, वो कब्रस्तान की जमीन को बेचा, वो मदरसे को गिराया, तो समाजवादी कहती है इसको और दो।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का। जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश से पूछा गया, भैया जरा निकाब पे बोल दीजिए, हिजाब पे बोल दीजिए, क्या कहा उसने, क्या कहा उसने, आपको आ गई आवाज? आप जब तक जिंदा रहेंगे भारत के संविधान में दाढ़ी भी छोड़ेंगे, सर पे टोपी भी पहनेंगे, और जिस महिला को घूंघट पहनना है, जिस महिला को हिजाब पहनना है, निकाब पहनना है, कोई मई का लाल नहीं रख पाएगा हमको, क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। अब भैया को कुछ सुनाई नहीं देता, उनको क्या सुनाई देता, नारा सुनाई देता कि तुझ पे जवानी कुर्बान। हाँ सही बोले, जोर से बोलो, क्या है वो? मैं बोलूंगा तो पुलिस बोलेगी भड़काऊ भाषण करके गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी का पोस्टमार्टम हो चुका, अब आते हैं बाबा पे। बाबा पे आते आए, बाबा ने कहा और उनके बादशाह मोदी ने कहा, हम गरीबों के साथ है, हमने गरीब को राशन दिया, राशन दिया, राशन दिया, और मोदी जी कह गए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझसे कहा कि हमने मोदी का नमक खाया है। आप बताइए, आपने देश का नमक खाया या मोदी का नमक खाया आपने? किसका नमक खाया? जब देश का नमक खाया तो फिर देश का बेटा, जमीन का बेटा डॉक्टर युग का साथ देंगे नहीं देंगे आप? तो मोदी जी बोलते हैं मेरा नमक। मोदी जी आप जो नमक खा के प्रधानमंत्री बने वो भी देश का था वो। आप अहंकार देखिए प्रधानमंत्री का, मेरा नमक, मेरा नमक, तुम्हारा नमक कहां से हुआ? हम सब तो इस जमीन की मिट्टी पर पैदा हो, इसी में जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और फिर देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि 600 रुपए का अगर राशन देती है तो सुनिए, वही महिला को बोलते कि ए माँ जी 1400 का गैस का सिलेंडर भी खरीद ले, 600 का राशन 1400 का सिलेंडर, तो बचा क्या गरीब के पास? आप बताइए। और फिर कीमतें आसमान को छू रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, गैस, मगर बाबा को पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ए मुहर्रम में बिजली आती थी ना, बाबा को पूछेंगे बाबा पेट्रोल डीजल, तो बाबा बोलेंगे कब्रस्तान, बाबा बोले बाबा को पूछेंगे सरसों का तेल, तो बाबा बोलेंगे 80-20, अरे बाबा को बोलेंगे महिला परेशान, तो बाबा बोलेंगे मैं गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा इन बातों को मालूम ही नहीं बाबा को। बाबा का और मोदी का मामला ये कि कहावत है, हमने सुनी थी कि गुड़ दिखा के ईंट मारना, वही काम करते हैं, गुड़ दिखाते और ईंट मारते हैं, और सबसे कह रहे हैं कि अपनी धोती उतारो और पगड़ी बांध लो, कीमतें बढ़ी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी सरदार माँ और बहनों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई। और फिर हम बोलते आते हैं, इनको हम क्या बोल रहे मालूम हो गया रहा है। बहरहाल मेरे भाई, क्योंकि वक्त कम है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, विकास नहीं हुआ है। आप दोबारा पूरा विश्वास, पूरा एतमाद डॉक्टर अय्यूब साहब के लिए करिए, और पूरा मुतमईन एतमाद और पूरे इत्मीनान के साथ। और आपसे अपील कर रहे हैं कि जब आप मतदान करेंगे तो मजबूरी के नाम पर मत करिए, मजबूती के नाम पर करिए, मजबूरी के नाम पर मत करिए। डॉक्टर अय्यूब को जब वोट देंगे, मतदान करेंगे, तो मजबूती के लिए दीजिए, ताकि गरीब और वंचित कमजोरों की आवाज को मजबूत कर सके। और फिर हम आपको वादा कर रहे हैं, डॉक्टर अय्यूब जब जीत जाएंगे तो ये जो खेत में आकर सांड खेत खाता है ना, इसका मसला हल होगा।
हल हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, आप कर लेंगे। आप काफी हैं, अकलमंद को इशारा काफी है, समझ गए ना? या समझाए? नहीं समझाएंगे, तुम समझदार हो। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहे आपको, आना आना। डॉक्टर अयूब कामयाब होंगे तो डॉक्टर अयूब सांड का मसला हल कर देंगे, इतना ही कह रहे हैं। बाबा नहीं कर पाएंगे, बाबा और मोदी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने क्या कहा? तुमको 70 लाख नौकरियां नहीं मिली, हमने 5 साल पहले वादा किया था उत्तर प्रदेश के युवाओं से। तो मोदी जी कह रहे, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा डिप्लोमा, तुम्हारा इंजीनियरिंग की डिग्री सब बाहर में रख दो, हम तुमको गोबर देते हैं, गोबर से पैसे कमाते। क्या दिमाग है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का? तो मोदी जी ये बात बोले तो बाबा बोले मैं क्यों पीछे हटूं। बाबा ने ऐलान कर दिया, जिसके पास सांड होगा मैं 900 रुपये दूंगा। आप बताइए, बिजली नहीं है, सेल फोन नहीं चार्ज होता, नौकरी नहीं दी, महंगाई बढ़ गई, महिला परेशान, बच्चे परेशान, शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी और पूछेगी 900 रुपये? आपको मालूम एक सांड के लेकर दे रही है सरकार, तो उत्तर प्रदेश में जितने विकलांग है उनको 1000 का पेंशन मिलता है। आप बताइए, जिस 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 माँ का बेटा विकलांग होगा, बेटी होगी, उसका बाप होगा, क्या गुजरती होगी उस पर? ये कैसी सरकार है कि सांड को 900 रुपये और विकलांग को 900 रुपये? तो बाबा आपसे कह रहे हैं विधानसभा से, आप सांड को बोलिए और दो बोल के, हम इंसानों को बोलेंगे कि डॉक्टर अयूब को और दो। आप तमाम मिलकर 3 तारीख के दिन एक और को हमारी बात को पहुंचाइए सब जनता तक। हम नौजवानों से बोल रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमारा पैगाम पहुंचाइए आप, और बोलिए कि दो दीवाने मिल चुके हैं, दिल मिला चुके हैं, कामयाबी एक ही है, मंजिल एक ही है। 3 तारीख के दिन डॉक्टर अयूब को विरास के निशान पर बटन दबाकर इनको कामयाब करिए। इनकी आवाज को उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में पहुंचाना बेहद जरूरी है। हाँ, अरे भूल गए बोलना, हाथी वाला धमकी दे रहा है। ए भाई, धमकी हमकी नहीं देना, गोली चली हम पर, हम नहीं डरे, बगैर आ गए उसके। जब असदुद्दीन और अय्यूब मिल जाते हैं तो फिर डर तुमको होना चाहिए, याद रखो। हम सिवाय अल्लाह से किसी मई का लाल से नहीं डरते, और डर हमारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या करोगे? भारत का संविधान है, कानून है, कोर्ट है, डरा रहे हो? किसको डरा रहे? क्या हमारी मां ने हमको दूध इसलिए पिलाया कि तुम जैसे बुजुर्गों से डर जाएंगे हम? ये डर बाजू रखो, तुमको अपनी शिकस्त और अपनी नाकामी नजर आ रही है, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पैर से निकल चुकी है। इस विधानसभा की जनता ने तय कर लिया कि भाजपा नहीं, सपा नहीं, बसपा नहीं, सिर्फ डॉक्टर अयूब और डॉक्टर अयूब को विधायक बनाएंगे। सलाम अलैकुम। तो आप सबने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक को घेरा, लेकिन भाजपा सरकार ही सबसे ज्यादा मुख्य निशाने पर था। ओवैसी साहब के स्टेटमेंट्स के बीच उनके भाषण में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जनता के बीच भाजपा सरकार एक बार फिर से भरोसा करने की भूल ना करे, यही बात बताने की कोशिश ओवैसी साहब की थी। हालांकि जनता किसके पक्ष में है और जनता के पक्ष में कौन है वो जो इस बार एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा, ये तो 10 मार्च की तारीख को तय होगा। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस भाषण पर आपकी क्या राय है, टिप्पणी करें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हुए। तब तक के लिए लेंगे इजाजत, नमस्कार।